नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की फसल में जो शुरुआती अवस्था में खरपतवार उगते हैं उनको रोकने के लिए हम किन किन दवाओं को यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, क्या डोज रहेगी, क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी, ऐसी पूरी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो में मिलने वाली है। स्पष्ट जानकारी मिले तो बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य रहता आपको अच्छी जानकारी देना, जिससे जो जानकारी आपको दे रहे हैं उससे आपको पूरा पूरा फायदा मिले। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि जो धान की फसल में शुरुआती अवस्था में खरपतवार उगते हैं तो उनको हम कैसे रोक सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, शुरुआती अवस्था में जो खरपतवार उगते हैं, फिर चाहे आप नर्सरी डाले हों, सीधे बिजाई करे हों या पौधे की रोपाई किए हों, शुरुआती अवस्था में खरपतवार जो 7 से 21 दिन के बीच में उगते हैं उनको रोकना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि आप उनको नहीं रोकते हैं तो सबसे बड़ा कारण होता है ये आपकी फसल को कमज़ोर करते हैं। और शुरुआती अवस्था में यदि आपकी फसल कमज़ोर हो गई तो मानकर चलो कि आपका 25-30% तो नुकसान हो ही जाता है। फिर चाहे नर्सरी हो, चाहे पौध की रोपाई किए हों या सीधे बिजाई किए हों, उसमें जो खरपतवार उगते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए आप दो दवाओं में से कोई एक दवा यूज कर सकते हैं, जिनका नाम एक का है बिस्पायरीबैग सोडियम जो 10% SC में आती है, और दूसरी दवा है पाइराइजो सल्फ्यूरान इथाइल जो 10% WP में आती है। दोनों के काम लगभग एक जैसे रहते हैं, बस फार्मूले अलग हैं और तरीका आपको जो यूज करना है वो एक ही यूज करना है। अब दोनों दवाएं जो हैं धान की फसल में जो शुरुआती अवस्था में खरपतवार उगते हैं उनको आसानी से रोक सकते हैं। फिर चाहे आप धान की नर्सरी की बिजाई किए हों, सीधी बिजाई किए हों या रोपाई किए हों, इसमें जो शुरुआती अवस्था में खरपतवार उगते हैं इनको आसानी से रोका जा सकता है। बस ध्यान रखना है कि जब आप इन दवाओं को यूज करें तो जब आपके खेत में 2 से 5 पत्तियों के बीच के खरपतवार हों उसी टाइम आपको इनको डालना है। यदि बड़े खरपतवार हो जाते हैं 5 पत्तियों के ऊपर के तो ये दवाएँ इतना अच्छे से काम नहीं करती हैं और आपका पैसा जो आप लगाते हैं इन दवाओं पर वो आपका ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये दवाएं वहाँ पर अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देती हैं। जहाँ पर गलती आपकी रहती है, क्योंकि 5 पत्तियों तक यदि आप डालते हैं तो ये अच्छे से काम करती हैं। जब आप इन दवाओं को डालेंगे तो भी ध्यान रखना है कि पर्याप्त नमी आपके खेत में होना चाहिए, और पर्याप्त नमी होने पर आप इन दवाओं को स्प्रे कर दें। इन दवाओं में से यदि आप बिस्पायरीबैग सोडियम की मात्रा ले रहे हैं तो 1 एकड़ में 80 से 100 ml मात्रा लेनी है। कम खरपतवार हैं तो 80 ml ले सकते हैं, थोड़ा अधिक खरपतवार हैं तो 100 ml ले सकते हैं। पानी की जो मात्रा रखनी है 120 से 200 लीटर के बीच में रखेंगे और स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के 2 से 3 दिन के अंदर फिर से 2 से 2.5 इंच तक पानी भर देंगे और 7-8 दिन तक नमी बनाए रखेंगे। तो नर्सरी में या शुरुआती अवस्था में या सीधी बिजाई में रोपाई के समय धान में जो खरपतवार उगते हैं उनको आसानी से रोका जा सकता है, और शुरुआती अवस्था से जो नुकसान आपको ये खरपतवार पहुंचाते हैं वो नहीं होगा। अब जो पाइराइजो सल्फ्यूरान इथाइल जो है, यदि आप इसको देना चाहते हैं तो 40 से 60 ग्राम मात्रा आपको 1 एकड़ फसल में डालनी रहेगी, और ये भी शुरुआती अवस्था के खरपतवारों को रोकने में काफ़ी अच्छा काम करता है। इसमें भी पानी की मात्रा 120 से 200 लीटर रखनी है और इसको भी आप स्प्रे करके सेम वही तरीका अपनाना है, यानी स्प्रे करने के 2 से 3 दिन के बाद में आपको पानी भर देना है और 8 से 10 दिन तक पर्याप्त नमी बनाए रखना है। देखेंगे जो 2 से 5 पत्तियों के शुरुआती अवस्था के खरपतवार उगते हैं वो आसानी से दूर हो जाएंगे। एक गलती दोस्तों जो और भी बहुत से किसान भाई करते हैं वो भी बता दें, देखिए दोनों दवाएँ सिस्टेमिक ढंग से काम करती हैं तो तुरंत आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। 10 से 15 दिन पर देखते हैं तो ये खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, लेकिन 5 पत्तियों के ऊपर के खरपतवार हैं वो नहीं मरते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं लेकिन वो बिल्कुल नष्ट नहीं होते हैं। तो आपको टाइम पर स्प्रे करना ज़रूरी है। सिस्टेमिक ढंग से काम करने के कारण जो है थोड़ा लंबा समय लेती है, इसलिए लंबे समय तक आपको पर्याप्त नमी भी बनाए रखना जरूरी है या 2 से 2.5 इंच तक पानी भी भरे रखना जरूरी होता है। जब भी आप इन दवाओं को यूज करें तो अकेली दवा का यूज करना है, किसी तरह का कोई भी दवा, कोई भी उर्वरक, कोई भी कीटनाशक नहीं मिलाना है और ना तो आपको किसी तरह का फफूंद जनित दवा को मिलाना है। दूसरे खरपतवार नाशी को भी साथ में न मिलाएं, और स्टिकर मिलाकर डालने पर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कट नोजल या फ्लैट नोजल का यूज करें तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चाहे आप बिस्पायरीबैग सोडियम का यूज करें, चाहे पाइराइजो सल्फ्यूरान का यूज करें, यदि आप इन तरीके से यूज करते हैं, इन बातों का ध्यान
रखते हैं तो आपको इसके पूरे पूरे फ़ायदा मिलेंगे। लेकिन यहीं पर यदि आप कोई चीज़ मिस करते हैं, कोई चीज़ गलत तरीके से अपनाते हैं, तो आपको इनके रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो आज की जानकारी दोस्तों बस इतनी ही। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।